फरीदकोट की गेला राम धर्मशाला में मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के डॉक्टर्स द्वारा ब्लॉक स्तरीय मीटिंग की गई। जिला प्रधान डॉक्टर रशपाल सिंह का स्वास्थ्य ठीक ना होने के चलते इस मीटिंग की अध्यक्षता ब्लॉक प्रधान डॉक्टर अमृतपाल सिंह द्वारा की गई। इस अवसर पर ब्लॉक प्रधानों ने डॉक्टर साथियों को नए प्रमाण पत्र और आई कार्ड बांटे। इस मीटिंग में 130 के करीब डॉक्टर्स ने भाग लिया। इस मौके पर ब्लॉक प्रधान अमृतपाल सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि फरीदकोट ब्लॉक के 130 डॉक्टर्स के पहले प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड की वैधता समाप्त होने पर नए प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड बांटे गए हैं, ताकि डॉक्टर्स को प्रैक्टिस के दौरान मुश्किल का सामना न करना पड़े। वहीं उन्होंने पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे ना मानी गई तो आने वाले समय में वे अपना संघर्ष और तेज करेंगे। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। नवे आई कार्ड और नवे सर्टिफिकेट जो साडे प्रमाण पत्र दे तौर ते साथियों नूं वंडे गए। देखो, असीं पंजाब सरकार तों यही मांग करदे आं कि जो साडे पिछले लंबे समय तों साडा जो डॉक्टर आर एम पी डॉक्टर का ज रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टिशनर का जो मसला वो काफ़ी टाइम तो साडा सानू लटकाया जा रहा है। वो असी मांग करते हैं कि भी साडा जिन्नी छेती हो सके वो मसले पर गौर की जाए, और जे ना गौर करे तो फिर असी इहदा वध तो वध विरोध करके असी एक संघर्ष कढ़न की तैयारी में।